आवाज बुलंद से कहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब बेवतना नू लावे
सरकार फरमाते हैं الغزنفر
الشجاع المظفر رب الشبع وشبر قاتل المرهب والأنطر إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب أبي الحسن والحسين زوج فاطمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات صلوات يا وعدا اللهم صل على محمد وآل محمد خدا عز و جلال سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کا سب کا جمع ہونا یہاں اور امیر المومنین کی شہادت عظمیٰ میں اہل بیت اطہار کو ان کے غم میں شریک ہونا اس لیے کہ آپ کے چھٹے امام کا فرمان ذیشان مولا فرماتے شیعتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جب ہم آل محمد خوش ہوتے ہیں تو ہماری خوشی میں شریک اور جب ہم مغموم ہوتے ہیں تو وہ ہمارے غم میں شریک تو مولا سے دعا ہے کہ آپ کا یہاں جمع ہونا چل کے آنا سفر کر کے آنا دامے دل میں قدمے سکنے جو بھی آپ نے انجام دی یہ ایفرٹس اور یہ کوششیں اور سائی خدا اس کو قبول اور منظور فرمائے مخصوصاً میں نے ایک آبزرو کیا کسی نے کہا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ مخلصانہ طور پر ڈاکٹر نسیم صاحب جو خدمات انجام دے رہے ہیں بغیر اس کے کوئی لالچ کوئی تمام کوئی مقام نہیں ہے یہ کوئی پاور نہیں ہے بغیر کسی چیز کے وہ بے لوس خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں خدا عز و جلال ان کی مخصوصاً اور سب لوگوں کی سحیات جمیلہ اور اچھے اعمال مومنین کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے مل کے صلوات سنائیے محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد والے محمد ویسے حسب عادت ٹائم تھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن آج پلیز کہ انشاءاللہ اگر تھوڑا ایکسٹینڈ ہو جائے تو آج پرسہ دینا ہے جناب ثانی زہرا کو تو پریشان نہیں ہونا روزہ اپنے مقام پہ اپنے وقت پہ ختم ہو جائے گا سورہ مبارکہ فاطر 35 سورہ ہے قرآن کا اس کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا گھر جا کے دیکھیے گا اگر ترجمے ہوں اور تفاسیر والے قرآن مجید موجود ہوں تو دیکھیے گا مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث قرار دیا اپنے بندوں میں سے کچھ کو لیکن استفینا من عبادنا ہر بندے کو نہیں بلکہ ہم نے وہ بندے چن کے اپنی نگاہ قدرت کی دوربین سے پرکھ کر اپنی حق و حقیقت کی کسوٹی پر پرکھ کر اور چھان بین کر کے چیک اپ کرنے کے بعد ہم نے انہیں مصطفیٰ بنا کر
हमने उन्हें चुनकर अपनी किताबें हिदायत इंसानी का वारिस करार दिया। थोड़ा थोड़ा बोलते आएंगे तो मतलब काम आसान हो जाएगा। तो ये किताबे खुदा का वारिस जो अल्लाह ने बनाना चाहा, तो वारिस की विरासत की वजह क्या बनती है? मतलब हर किसी को तो वारिस नहीं बनाया जाता ना, उसकी कोई वजह होती है। तो मालिक इरशाद फरमाता है कि हाँ हाँ, इसका किताब का मूरे से आला एक रह चुका है, उसको हम वापस बुला रहे हैं, तो उसके बाद हमें इस किताब का वारिस तो मुकर्रर करना ही है ना। कोई भी मीरास इलाही हम बगैर वारिस के और निगहबान के नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं हम खालिक इंसानियत हैं, खालिक बशरियत हैं, तो हमें हमारी निगाह में सारे के सारे इंसान बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है। हम जानते हैं कौन है हकीकत इंसानियत को जानते हैं। तो हमारी निगाह ने यह देखा कि मैं हम तालिमुल नफ्स ही, चुनने की वजह क्या बनी, हमने कभी ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा लिया, हमने कुरा अंदाजी क्यों नहीं कर ली, हमने कोई लाठी क्यों नहीं निकलवा दी, बल्कि हमने पर्टिकुलर लोगों को चुन लिया। उसकी वजह यह है कि फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, कुछ हैं जो अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं। और मैंने 1-4 सूरह बकरा में इरशाद फरमा दिया था, इब्राहिम आपको हमने इमाम तो बना दिया, आपकी दुआ को भी हमने कबूल कर लिया और मुस्तजाब फरमा लिया, पर शर्त है साथ में ला यनालु अहद ज़ालिमीन, ज़ालिम तक ये मेरा ओहदा कभी भी और कभी भी और नेवर और एवर ये ज़ालिम तक तो पहुंच सकता ही नहीं है। अब वमिन हम ज़ालिम लिनफ्सिही ही, अल्लाह की मखलूक की एक किस्म है जो अपने नफ्सों पे जुल्म करते हैं, वो आउट, थोड़ी बाउंड्री तंग हो गई। फिर मालिक ने इरशाद फरमाया वमिनहुम मुख्तसिद, कुछ है जो दरमियाने तबके के लोग हैं जिनको अपनी भी खबर नहीं होती कि हमारी बाउंड्री क्या है। सादा लो इंसान, तो हमारी ये विरासत और हमारी ये मैसेज वाली और हिदायत वाली किताब सादा लोगों के हैंडल करने का काम नहीं है, लिहाजा वो भी आउट हो गए। अब रह गए कौन? वमिनहुम साबिकुन बिल खैरात, और कुछ है हमारी मखलूक में से जो नेकियों में, जो अच्छाइयों में, जो कमालात में सबसे आगे आगे नजर आते हैं। और यही तो हमने फरमाया था अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, जो साबित होते हैं वही तो हमारे करीब तर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी इलेक्ट कर लें, नहीं, ये इलेक्शन की बात ही नहीं है, यहां तो सिलेक्शन होता है। हमने दीन बनाया है तो हमारे सिस्टम में जो कुछ हम चाहेंगे ऐसा चलेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मिलकर सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये कैसा निजाम है? निजाम एक कामिल हस्ती इंसानियत की हिदायत का निजाम कहां से शुरू होता है? उसका सबसे पहली असल और पहला कुलिया और कायदा यह है, जिसे आपको माएं जो है वो बच्चों को दूध पिलाते हुए गोद में सिखा देती है, बेटा उसूले भी 5 है, और पहली असल का नाम है तौहीद। तौहीद क्या? कभी गौर किया तौहीद है क्या? भाई मां बहन ने जितनी उसकी ड्यूटी बनती थी उसने संभाल लिया, उससे आगे हमारी अपनी ड्यूटी बनती है कि हम देखें वो तौहीद क्या है। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक में से 3 ग्रोह है, इसीलिए अल्लाह ने अपनी तौहीद के दलाइल भी 3 किस्म के दिए।
अगर देखा कि मेरी सादा लौ मखलूक है तो सादा दलील से उसके अपने अंदर तौहीद की निशानियां बता दी और इरशाद फरमाया ये इंसान अतज़अम अन्नक जर्म सगीर वफिल फफीकन तवल आलम अकबर, क्या तू ये समझता है कि तू गोश्त का एक लोथड़ा और छोटा सा टुकड़ा है एक खास बाउंड्री में? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस खालिक और मालिक ने तेरे अंदर पूरी कायनात अर्ज और समाई को समो के रख दिया है। शर्त यह है कि थोड़ी गौर तो कर, और अगर देखा कि थोड़ी साहिबान फिक्र मखलूक है तो उनकी फिक्रों को झंझोड़ा और इरशाद फरमा दिया कि अफिल्लाह शकुन, क्या तुम खुदा के होने में शक करते हो? वकुन तुम अमवातन फाहयाकुम, तुम मुर्दा थे, तुम कुछ नहीं थे, तुम लाशय थे, फाहयाकुम उसने तुम्हें लाशय से शय बना दिया। तो वो लाशय से शय कैसे बनाया? आप लोगों के काम की चीज है, बयान करने जा रहा हूं कि फिलॉसफी उसमें, क्योंकि देखिए ना साहिबान फिक्र है तो कुरान आया ही साहिबान फिक्र के लिए है। वफी आयातुन लिउलिल अलबाब, और इसमें उलिल अलबाब को ही बार बार खिताब किया जाता है कि फिक्र तो करो, अफला यतदब्बरून अलकुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, कुरान फिक्र तदब्बर की बात करता है, कुरान फिक्र चाहता है, गौर चाहता है। अगर गौर करोगे तो फिर दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। अफिल्लाह शक्कुन खालिक समावात वल अर्द, ओ अफिल्लाह शक्कुन कुंतुम अमवातन फाहयाकुम, उस अल्लाह की उलूहियत में शक करते हो कि जिसने तुम्हें लाशय से शय बनाया, तुम्हें मुर्दा से जिंदा किया, कैसे जिंदा किया, कैसे लाशय थे हम, कुछ नहीं थे, मिट्टी थे, मिट्टी से अल्लाह ने अंगूरियां उगाई, अंगूरियों में से फिर घास फूस उगाई और वहां से फिर उन घास को हैवानात ने खाया, हैवानात को इंसान ने खाया और इंसान को उस गोश्त और गोश्त से इंसान का खून बना, फिर खून से नुतफा पैदा किया और उस नुतफे को अपने ऑटोमेटिकली सेफ और साउंड सिस्टम के हवाले से दुनिया की फजा से महफूज तरीके से उसको सोबे फादर से रहम मादर में मुंतकिल किया और फिर उसको 9 महीने तक वहां ऐसा सजाया, ऐसी तस्वीर बनाई, ऐसी तस्वीर खींची, कैसे हर शय अपने अपने मुनासिब जगह पे रख दी। मैंने अगले दिन इशारा किया था हम उसका क्या बिगाड़ सकते थे, अगर ये नाक माथे पे लगा देता, मुंह दूसरी तरफ लगा देता, एक कान कर देता तो हम क्या बिगाड़ सकते थे, लेकिन उसने अहसन तकवीम में हमें खल्क फरमाकर और फिर जब उसने इंसान के उस छोटे से पानी के कतरे को लाशय से शय बनाने में उसने जब डेवलपमेंट की तो एक वक्त वो आया कि फिर ये लोथड़ा उसमें हड्डियों हड्डियों का एक ढांचा तैयार किया, उस पर गोश्त चढ़ाया, गोश्त और हड्डियों के दरमियान रगों का जाल बिछा दिया, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ना कि मैंने तेरे अंदर सारी कायनात समो दी है, हड्डियों को पहाड़ों की शक्ल दे दी और इंसान की बाकी हर शय को उस जो दुनिया में मौजूद है उसको इंसान की बॉडी में रख दिया, नहरें और समंदर चला दिए और ऐसा मासूम सिस्टम क्रिएट कर दिया कि एक लहजा के लिए न वो कुंद होती है और न तुंद होती है, और फिर इंसान को जब पूरा का पूरा तैयार कर लिया ढांचा, फिर वह नफख फी मिन रूहे, और फिर उसके बाद इंसान के बदन में अपना रूह फूंक दिया, रूह जब आया इंसान के अंदर तो इतना पाक हो गया, इंसान इतना पाक हो गया इसको गिजा की भी जरूरत थी, फिर वहां मुनासिब गिजा नहीं मिलती थी, मां के पेट में इतनी मुनासिब गिजा न थी, अल्लाह ने रहीम और करीम होकर और इतना प्यार है उसको आप पर, उसने इतना एहसान किया रहीम और करीम ने कि तुझे गिजा नाक के जरिए दी और तेरे मुंह से वो गिजा न देकर तेरे मुंह को गंदा नहीं किया।